नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह के नाश्ते में अलग अलग वैरायटी बना करके खाना सभी को अच्छा लगता है। कभी हम उपमा बना के खाते हैं, कभी पोहा बना के खाते हैं और कभी और भी दूसरी चीज़ें बना के खाते हैं। आज मैं आपको वर्मीसेली के उपमा बनाना बताऊँगी। वर्मीसेली के उपमा बनाना बहुत ही आसान है, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई लोग उपमा बनाते हैं तो बनाने के समय ही घट हो जाती है या ठंडी होने के बाद में उपमा चिपक जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी उपमा ठंडी होने के बाद भी एकदम से खिली खिली बनी रहेगी। तो आइए उपमा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है और पैन में एक टीस्पून जितना घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। अभी घी हमारे गर्म हो गया है और हमने यहाँ पर 125 ग्राम वर्मीसेली लिए हैं और कप में नापे तो 1 कप है। ये कप हमारा 250 ml का कप है। अभी इस वर्मीसेली को हम सेक लेते हैं। वर्मीसेली को कभी भी आप थोड़ा सेक करके इस्तेमाल करें जिससे आपकी उपमाएँ बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। वर्मीसेली को कुछ लोग वर्मीचेली भी बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो सही प्रोनाउंसिएशन इसका वर्मीचेली है, तो ज़्यादातर सभी लोग इसे वर्मीसेली बोलते हैं तो जबान में वही पड़ जाता है। इसको हमें मध्यम आँच कर सेक करके तैयार करना है। थोड़ा सा घी डाल करके सेकते हैं, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और अच्छी सीख के तैयार होती है। आप चाहे तो बिना घी भी सेक करके तैयार कर सकते हैं, और मैंने घी डाला है। आप चाहे तो तेल भी डाल करके बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप घी डालकर बनाएं, वो आपकी पसंद पर निर्भर करता है। सेकने के समय आप बराबर इसे चलाते रहें जिससे कि जले नहीं है, अच्छी सीख के तैयार हो। मध्यम आँच में सेकते हैं तो लगभग 2 मिनट में ये सीख करके तैयार हो जाती है। अभी देखिए आप धीरे धीरे इसका हल्का कलर आने लग गया है। इसे सेकते हुए लगभग हमारे को 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हमने वापस वही बर्तन ले लिया है और 1 कप हमने वर्मीसेली ली थी, इसीलिए 2 कप पानी लेंगे। 2 कप पानी को अच्छे से गर्म करेंगे और गैस को चालू कर देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने अच्छे से वर्मीसेली को सेक करके अलग किया और पानी उबाल करके वापस इसमें डालेंगे। उसका रीज़न ये है, यदि हम उसी के अंदर हम कच्चा पानी डाल देते तो वर्मीसेली अच्छी खुली खुली बन के तैयार नहीं होगी। यदि आप चावल भी बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी को उबाल आने के बाद में चावल डालें, चावल आपके खुले खुले अच्छे बन के तैयार होंगे। अभी आधा छोटा चम्मच जितना इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट में पानी में उबाल आ गए हैं, तो पानी में इस तरह से उबाल आने के बाद में वर्मीसेली को इसमें डालें जिससे क्या वर्मीसेली खुली खुली बन के तैयार होगी। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वर्मीसेली डालने के बाद में वापस उबाल आ गए हैं। उबाल आने के बाद में हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ये पक के तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर उपमा आप बनाएंगे तो घट उपमा बन के तैयार होगी, खुली खुली उपमा बन के तैयार नहीं होगी। आप उबालते समय इस तरह से मिक्स करते रहे, एक बार अच्छे से सभी उबल करके तैयार हो जाएगी। अभी इसको उबलते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट में अच्छे से उबल करके तैयार हो जाती है। अभी गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर जो पानी एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हम पानी निकालने के लिए हमने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर इस तरह से जर लगा दी और पूरे पानी को हम इस तरह से निकाल लेंगे। 3 मिनट में आराम से अच्छे से पक कर के तैयार हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कि देखिए बहुत ही खुली खुली बन के तैयार हुई है। ये अभी तक गर्म है तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुका नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और फिर ये आपस में चिपकेगी नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें आप, हमेशा बाहर निकालने के बाद में पानी डाल करके इसे ठंडा कर लें जिससे कि अब ये पकना बंद हो जाएगी, सब खुली खुली रहेगी हमेशा। अभी वर्मीसेली उपमा बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 1 टीस्पून जितना घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसमें आप बना सकते हैं। तो घी हमारे गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में इसमें लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितनी मूंगफली डाल देते हैं। यदि आप मूंगफली नहीं डालना चाहते हैं तो उसके जगह पे काजू भी डाल सकते हैं। क्या मूंगफली सबके घर में हर समय मिल जाती है, इसीलिए मैं मूंगफली डाल करके बना रही हूँ। मध्यम आँच पर ही मूंगफली को भुन करके तैयार करेंगे। मूंगफली डालने के बाद में कंटिन्यू चलाते रहे जिससे क्या मूंगफली अच्छे से भुन जाए, कहीं से भी कच्ची नहीं रहे। इस तरह की उपमा सब नाश्ते में बनाकर खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमेशा एक ही तरह की सूजी वाली उपमा या कभी पोहा इस तरह का नाश्ता सुबह बनाकर खाते हैं तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह से बनाकर खिलाते हैं बच्चों को भी, घर वालों को भी, तो उनको अच्छा लगता है। मूंगफली अभी हल्की हल्की चटकने लग गई है,
तभी इसमें एक टीस्पून जितनी चना दाल डाल देते हैं। चना दाल भी इसके साथ अच्छे से भुन जाएगी। इसी के साथ एक टीस्पून जितना मैंने उड़द दाल लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। सभी को एक साथ में भून लेंगे। एक टीस्पून जितना ही मैंने राई लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। राई चटकने लगेगी तब तक साथ साथ में सभी पक जाएंगे। अभी सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। अभी इसमें हम एक हरी मिर्ची डाल देते हैं। ये हरी मिर्ची को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसी के साथ मैंने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। ये सब चीज़ें अच्छे से पक गई है। अभी इसमें एक मैंने प्याज लिया है जिसको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। प्याज को आप छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, आप चाहे थोड़ा बड़ा बड़ा काट के भी डाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस तरह से काट के डालना चाहते हैं प्याज। पर छोटा छोटा प्याज है, खाने में आरामदायक रहता है, तो उपमा में दिखने में भी अच्छा लगता है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ है, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी इसमें दूसरी सब्ज़ियाँ डाल देते हैं। तो एक मैंने छोटी साइज की गाजर ली है वो भी इसमें डाल देते हैं। आपके पास बीन्स हो तो बीन्स भी डाल सकते हैं। ये मैंने 2-3 टेबल स्पून जितना मटर लिया है, मटर भी इसमें डाल देते हैं। सब्जियां आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं इसलिए इसको मैंने उबाला नहीं है। यदि आप फ्रेश मटर लेते हैं तो उबलते हुए पानी में 2 मिनट तक आप उबाल लें, फिर उस मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोजन मटर थोड़ा सॉफ्ट होते हैं इसीलिए बिना उबाले भी इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जितना इसमें अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। आप चाहे तो अदरक थोड़ा काट के भी डाल सकते हैं या अदरक लच्छों में काट के भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। अभी मैंने एक टमाटर लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। मैं मेरे घर में बनाती हूँ इसलिए इसमें टमाटर डालती हूँ। यदि आपको टमाटर डालना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसा मेरे घर में बनाती हूँ वैसे ही आपको बता रही हूँ। टमाटर का हल्का सा खट्टापन इसमें अच्छा लगता है। ये डालना ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी आँच को थोड़ा धीरे करके ढक्कन लगा करके 2 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हल्की सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, हल्की सॉफ्ट हो जानी चाहिए। थोड़ा सा क्रंची टेस्ट सब्जियों का ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है, सब्जियाँ अच्छे से पक करके तैयार हो गई। इससे ज़्यादा हमारे को सब्जियों को नहीं पकाना है। अभी इसके अंदर हम वर्मीसेली डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारी वर्मीसेली कितनी खुली खुली रही है। देखिए एक एक दाना देखिए अलग अलग है। इसका कुकिंग प्रोसेस जब हम रोक देते हैं तो ये खुली खुली रहती है, देखिए कोई एक दूसरे चिपकी हुई नहीं है। ऐसी वर्मीसेली की उपमा बहुत ही खुली खुली और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। एक एक दाना इसका खुला खुला है, सब कोई चिपका हुआ नहीं है। इसी तरह से हमने आपको परफेक्ट रेशियो के साथ में खिली खिली उपमा बनाए बताया था। तो यदि आपने इस तरह की उपमा, पोहा, इडली या और भी कोई नाश्ता आपने घर में ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। हमें आपका कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा आपने हमारी कोई रेसिपी ट्राई की हो उसका फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक में ऐसा ऑप्शन होता है कि कमेंट के साथ में भी आप फ़ोटो लगा सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पर भी आपने जो खाना बनाया है उसकी फ़ोटो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमें आपके सारे कमेंट और आपकी रेसिपी जो बनाई है उसकी फ़ोटो देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी खुली खुली है, पूरी वर्मीसेली खुली खुली है, एकदम कोई एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है। ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अभी लास्ट में हम इसमें एक नींबू का रस डाल देते हैं। वैसे तो मैंने टमाटर की खटाई इसमें डाली है पर नींबू की खटाई का टेस्ट एक अलग आता है, तो आप ज़रूर एक बार डाल के देखें। और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देते हैं। देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। पर क्या ठंडी होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी चिपक जाती है, तो आप चाहते हैं कि ये दाना हमेशा खिला खिला रहे तो इसके लिए आप थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना घी डाल दें इसके अंदर। ये डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें। ऐसा करने से ये उपमा हमेशा खिली खिली रहेगी और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी, क्योंकि कच्चे घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह हमारा उपमा बन करके तैयार हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ये उपमा सर्व करने के लिए तैयार है। इस चीज़ का ध्यान रखकर जब भी आप ये उपमा बनाएं तो गर्मा गर्म खाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए मैं उपमा बनने के 15 मिनट बाद का शॉट दिखा रही हूँ, वह कितनी खिली खिली बनी हुई है। देखो
एक एक लच्छा इसका खिला खिला देके, इस तरह से परफेक्ट उपमा बननी चाहिए। तो आप बराबर फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी इसी तरह की उपमा बनकर के तैयार होगी। तो आपको वर्मीसेली की उपमा की रेसिपी कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।